ये है अपनी जबरदस्त एक माउजर गन, विंटेज आकार में बनी हुई है ये, और यहाँ है उसकी ऊपर मैगजीन, यहाँ पे हम गोलियों को डालते हैं। तो इसमें हम गोलियां डालते हैं और एक बार इसे चला के देखते हैं इसकी क्या है स्पीड, कितनी तेजी से ये करती है फायर। तो एक बार से लोड कर लेते हैं और से करते हैं इसे फायर करके एक बार देखेंगे इसमें कितनी स्पीड है इसकी गोलियों की। और ये देखो जी कितनी जबरदस्त तरीके से गोली शूट हुई है और पता नहीं चला कहाँ गई। एक बार और लोड करके इसे चला के देखते हैं कितनी तेजी से ये गोली जाती है। ये देखो आवाज से देखो कितनी तेज है, और अगर ये किसी के लग गई तो जरूर उसका हाथ पैर तो जरूर सुजा देगी ये। तो आज इसको हम खोलने वाले हैं और देखते हैं इसके अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम लगा है जिससे ये गोलियों को करती है फायर। तो सबसे पहले हम इसके नट्स को खोल लेते हैं। तो लगभग इसके सारे नट खुल चुके हैं और बड़ी केयरफुली से इसको खोलना पड़ेगा ताकि अंदर इसका सिस्टम कोई हिले ना, क्योंकि बड़े तरीके से यह असेंबल की जाती है और हर एक के बस की नहीं है इसको दोबारा असेंबल करना। ये देखो इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या लगा हुआ है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे ये फायर करती है इतनी तेजी से। तो ये देखो जी खुल चुकी है ये हमारी माउजर गन, और ये देखो ऊपर गोली अभी भी लोड है जो उसकी मैगजीन के अंदर, और नीचे ही इसके है बैरल और बैरल के पीछे स्प्रिंग। जब हम इसे लोड करते हैं तो बैरल के आगे ही गोली आ जाती है। तो एक बार इसको ऐसे ही लोड करके देख लेते हैं, क्या पता कि सही चलती है या नहीं चलती। इस तरीके से देखते हैं लोड करके, तो इसका पुश करते हैं यहीं से ही। अरे बाप रे, ये तो हो गया इसका काम, टूट चुकी है ये, ऐसे ये नहीं चलेगी, मतलब असेंबल से उतर चुकी है, टूटी नहीं है। और ये देखो ये गोलियां भी सारी इसकी ऊपर नीचे हो चुकी है सिंपल। इसके अंदर देखो एक पीछे स्प्रिंग लगा हुआ है, जब हम इसे लोड करते हैं तो बैरल पीछे चला जाता है और गोली ऊपर से बैरल के आगे आ जाती है। जब हम ट्रिगर दबाते हैं और ट्रिगर दबाते ही गोली ऊपर लोड होकर पूरी तेजी, देखो यहाँ से गोली यहाँ पे जब आ जाती है तो यहीं से ही शूट होती है। बैरल का प्रेशर, जब स्प्रिंग का प्रेशर बनता है बैरल पर, यहीं से ही शूट करता है वो। ये देखो पूरा ट्रिगर वगैरह सब कुछ इसका बाहर निकल चुका है और यही इसका बैरल है जो उसको यहाँ पे गोलियाँ लोड होती है। और ये देखो इसका लोड करने का सिस्टम यही है। कोशिश करता हूँ मैं अगर ये दोबारा जुड़ सकती है तो, वरना इसे जोड़ना काफ़ी मुश्किल है। एक्सपीरियंस वाले ही जो जिनका डेली का काम है इसको असेंबल करना, वही कर सकता है इसे असेंबल। और ये सारा खेल ही स्प्रिंग का है, जितना स्प्रिंग इसका हैवी होगा उतनी ही ज़्यादा आगे इसकी गोली जाएगी। और इसका स्प्रिंग देखो काफ़ी हैवी है, इसे मैं जोड़ के देख रहा हूँ अगर जोड़ सकती है तो। ये देखो इस तरीके से ये बैरल पीछे जाता है जैसे कि ये जा रहा है, लेकिन अब ये असेंबल से हट चुकी है तो ऐसे जाएगा नहीं ये। बाकी एक अच्छी माउजर गन है, और अगर मैं इसकी अगर प्राइस की भी बात करूँ तो ये आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी, 20 से 25 रुपये में आपको ये माउजर गन सिर्फ मिलेगी। और यहाँ पे देखो इसकी गोली यहीं पर ही लोड होती है, जब ऊपर इसे हम लोड करते हैं मैगजीन से यहीं पर ही गोली इसके अंदर आ जाती है और बैरल शूट करता है तो काफ़ी तेज़ी से ये फायर करती है। और वैसे ये लगती भी बहुत तेज़ है, थोड़ा दूर करके रखना पड़ता है। बाकी इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यार मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नए व्लॉग में एक नए टॉय के साथ, उसे भी खोलेंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या लगा हुआ है। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें गेम वाले व्लॉग्स।